हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद एक छोटी सी एक वीडियो आ रही है। ये भी अपडेट वीडियो है और ये भी काफ़ी क्या हो रहा था कि कमेंट आ रहा था, बहुत सारे कमेंट आ ही रहे हैं। क्योंकि देखो, सबके पास सब कुछ नॉलेज नहीं है। तो जिसके पास नॉलेज है तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि जो कुछ फ्रेशर भी होते हैं, जो इस फील्ड में नए भी होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो मेरे वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रहता है जो नया सीख रहे हैं। और जो काफ़ी बड़े टेक्निशियंस हैं, तो उनके लिए हो सकता है छोटा मोटा नॉलेज भी मिल सके। चलिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि नॉलेज कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, नॉलेज नॉलेज ही होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि बोर्नियो का जो है, एक जो टूल है, बोर्नियो जो टूल है, वो उसे कैसे एक्टिवेट और रीएक्टिवेशन करते हैं, रिन्यूअल कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर मैं लेकर के आ रहा हूँ। कि काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं कि सर मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रहा है, फैड आ रहा है, अपडेट कैसे करना है, बोर्नियो को अपग्रेड कैसे करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। कि कभी आपको अपडेट आया तो बोर्नियो को अपडेट कैसे करना है, उसको कैसे एक्टिवेट या रिन्यूअल कराना है, सारा कुछ मैं कंप्लीटली आपको देने वाला हूँ। तो चलिए मैं बोर्नियो को यहाँ पे खोल लेता हूँ, बोर्नियो टूल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और बोर्नियो टूल ओपन करने के बाद गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा सारा चीज। अब ये हमारा बोर्नियो खुल जाएगा। तो ये बोर्नियो जैसे ही आपका ओपन हो जाए, सबसे पहले, अच्छा, बोर्नियो को रजिस्टर्ड करने से पहले मैं आपको इसको अपग्रेड और इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन एक बता देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। सिंपल सा, जब कभी आप नहीं पा पा रहे हो, नहीं मिल पा रहे, तो सिंपल सा आप लिखिए बोर्नियो, बोर्नियो अपडेट लिखिए। आप यहाँ पे बोर्नियो अपडेट लिखिए। जैसे आप बोर्नियो अपडेट लिखेंगे तो उसके पहले ही साइड में आप जाइए, borneo.com में जाइए और उसको नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करते ही करते आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जो भी अपडेट होगा रिसेंटली यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर लेना है गाइस। सिंपल आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें। जब आपको रजिस्टर्ड करना है, न्यू, आपको न्यू रजिस्टर्ड करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सीधा आपको जाना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे यूजर नेम, जैसा आपका कोई भी नाम है तो अपना नाम डाल दीजिए वहाँ पे, 12 डाल दीजिए। उसके बाद नाम डालने के बाद ईमेल अपना पूरा डालिए, जो भी आपका ईमेल है, @ वगैरह वगैरह जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर दीजिए। फ़ोन नंबर वही डालिए जिसमें आपको कभी रिसेट कराना हो फ्यूचर में, उसको नंबर को डालिए। देखिए, ये जीमेल और नंबर ही आपका मेन होता है कि जब कभी आईडी, आपको हार्डवेयर आईडी को रिसेट कराना है तो आप यहाँ से सिंपल तरीके से इसको रिसेट करा सकते हैं। पासवर्ड डालिए जो आपका याद हो, सिंपल सा एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। अब आती है मेन, एक्टिवेशन कोड। तो जो सर एक्टिवेशन कोड होता है, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, जो ये एक्टिवेशन कोड है, ये एक्टिवेशन मिलता है जहां से भी आप इसको परचेस करेंगे, तो वहां से एक आपको एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा। उस कोड को आप यहां पे सिंपल सिंपल कॉपी कर दीजिए, उठाइए और कॉपी और यहां पे पेस्ट कर दीजिए और सिंपल सिंपल यहां पे रजिस्टर्ड कर दीजिए। कोई भी इशू आता है कि कॉन्टेक्ट सेलर ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो सीधा जहां से आपने लिया है वहां पे उनको मैसेज करिए और उनको बताइए कि ये फॉल्ट आ रहा है। बाकी इनका हेल्प नंबर भी होता है रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम में, जैसा है कि बता दूं कि इनको हेल्प करना है, तो इनका सपोर्ट नंबर है, इन सपोर्ट नंबर पे आप मैसेज करिए और आपको ये भी हेल्प कर देते हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं कि अगर आपका रिन्यूअल कराना है तो रिन्यूअल भी कैसे करना है, सेम प्रोसीजर है। तो मैं यहाँ पे रिन्यूअल वाले टैब को खोल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिन्यूअल वाले टैब में एक रिन्यूअल का यहाँ पे पेज आपको खुल जाएगा। रिन्यूअल करने के लिए भी, क्योंकि रिन्यूअल अगर आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, आपका पुराना हो चुका है, तो गाइस ये देख सकते हैं आपका पूरा नाम और यूजर नेम सब कुछ वही फिल आ जाएगा। लाइसेंस यहाँ पे देख सकते हैं, डुअल लाइसेंस शो हो रहा है, सिंगल होगा क्योंकि मेरा डुअल लाइसेंस का है तो डुअल लाइसेंस शो हो रहा है, सिंगल होगा तो सिंगल लाइसेंस शो होगा। उसके बाद एक्टिवेशन कोड, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बात जरूर ध्यान देना है कि जब आप कभी रीएक्टिवेशन रिन्यूअल करा रहे हैं, तो उनसे बताना है कि रिन्यूअल कराना है हमें, नहीं तो नए का एक्टिवेशन कोड दे देंगे। जनरली यहीं पे गलती आता है कि लोग नए का एक्टिवेशन ले लेते हैं और रीएक्टिवेशन पे चले जाते हैं। तो गाइस, जब भी किसी रीसेलर से, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कर रहे हो, नया ले रहे हो तो न्यू बोलना है और रिन्यूअल करा रहे हो तो रिन्यूअल बोलना है, क्योंकि रिन्यूअल का चार्ज भी कम होता है और न्यू का चार्ज ज्यादा होता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर से आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे इनको मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नहीं होता है, जहां से आपने लिया है वहां पे मैसेज करिए, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपको अपडेट किया है कि अगर आपका एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन डाउनलोड से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर के यहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।